तो दोस्तों, अगर आपको गर्लफ्रेंड बनानी है तो आपके पास होना चाहिए काफी सारा कैश। और आज हम खेल रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले DoorDash। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू गेमंजी। तो कैसे हैं आप सब? आज हम फिर से फॉल गाइस पे आ चुके हैं। कैसा रहा कल संभल गाइस का सफर? वैसे ठीक रहा, यहाँ पे मैं तुक्का लगा रहा हूँ और मेरा तुक्का बिल्कुल सही एग्जैक्टली लग गया। और आप में से कुछ सब्सक्राइबर लोग कमेंट कर रहे थे कि अबे चलो, अबे कितनी भीड़ मच गई भगदड़, मैं पीछे रह जाऊंगा। नो प्रॉब्लम, किसी को दरवाजा नहीं मिल रहा। ये लास्ट वाला तो होना ही चाहिए, वरना अबे मैं गिर कैसे गया था, पता नहीं कैसे गिर गया था। अब भी वो वाला मिल गया दरवाजा, वाओ। और बहुत लोग गए, अरे यही है इधर वाला। मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा वैसे जैसे मेरे हालात हैं इस बार, मुझे नहीं पता। अभी तो चार बंदे और जाएंगे, यानी कि अभी तो हम जवान हैं। वैसे मैं बूढ़ा कब हुआ था, अभी तो हम जवान हैं कह रहा हूँ मैं। और आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे, आराम से, विदाउट एनी दिक्कत। हम कौन से नंबर में पता नहीं, लेकिन करके। तो आज की शायरी आधी सच है और आधी नहीं भी। मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, बस वो राइमिंग थी, बस इतना ही रखना उसको। कई कभी फिर डिस्कशन कर लेंगे इस टॉपिक के ऊपर, हम बहुत अच्छे विचार होंगे मेरे इस टॉपिक पे। दिल से बहुत भड़ास निकल जाएगी अगर मैंने आज छेड़ लिया, यानी आज नहीं छेड़ा, यानी कभी भी छेड़ूंगा, भड़ास तो निकलनी है कभी ना कभी। तो चैनल पे बने रहना अगर इस टॉपिक पे भी बात करनी है। और यहाँ पे नेक्स्ट आ चुका है हमें गेट क्रैश। ओके, मेरे साथ अबे फ्रॉक वाला डाइनो नहीं, अबे मगरमच्छ, तेरे को तेरी मगरमच्छ नहीं मिल गई। लेकिन मगरमच्छ नहीं काफी पीछे रह रही है, मुझे लगता है वो बिचारी नहीं हमारे साथ साथ ही है। चल साथ साथ हम जन्मों का साथ निभाएंगे। चल। पैसे हैं वैसे इस क्रोकोडाइल के पास, क्योंकि हमारी राइमिंग आज वाली उसी पे बैठती है, वरना अबे इसके चक्कर में मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं रह जाऊं। नहीं, मेरी कहाँ गई मेरी डाइनो, कहेंगे ये रही डाइनी, इसका ना डाइनो क्यों कह रहा हूँ मैं इसको, ये क्रोकोडाइल है। खैर, डायनासोर का ये चाचा फूफा मामा नाना ताया कुछ तो रखता ही होगा, बहुत पुराने हैं डायनोज। और अबे हमारी डाइनी गिर गई या क्वालिफाई कर गई पता नहीं। डाइनी क्यों कह रहा हूँ मैं फिर से, क्रोकोडाइली कह लेता हूँ या क्रोकी कह लेता हूँ उसको मैं, पता नहीं। देखते हैं, अभी देखते हैं कि वो नेक्स्ट राउंड में पहुंच पाई है या नहीं। पहले तो मैं ढूंढता हूँ कहाँ पे है वो। अरे फ्रॉक वाली क्रोकोडाइल गई, मुझे तो लगता है गई। अरे अरे बाप रे, थर्ड राउंड में आ गया हॉवरबोर्ड हीरोज, जिसकी हम खूब प्रैक्टिस कर चुके हैं अभी जल्द ही। तो आज प्रोग्रेस दिखाने का समय आ गया हॉवरबोर्ड हीरोज में। लेकिन यार इसमें राउंड की एक दिक्कत है, एक गलती और आप हार जाते हो, इसलिए मुझे संभल कर खेलना पड़ेगा थोड़ा सा। तो क्योंकि अभी उसी दिन खेला था मैंने, उसके बाद बीच में स्टंबल गाइस भी खेल ली, और हो सकता है आज तक हम थोड़ा भूल गए हों। ये मेरी नहीं, ये नहीं है मेरी डाइनी, मेरी डाइनी तो चली गई बेचारी। चलो अच्छी बात है, क्योंकि वरना वो मेरा ध्यान भटकाती। अबे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। तो भाई माइनक्राफ्ट में हमें करना पड़ता है बहुत 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 ज्यादा डिग, और यहाँ पे आया है द वॉली गिग। तो यार माइनक्राफ्ट से याद आ गया हमको, माइनक्राफ्ट भी खेलनी है ना। तो मैं अभी पोल करवाऊंगा चैनल पे, काफी जल्द पोल करवाएंगे हम, कि उसमें हम GTA 5 को भी इंक्लूड करेंगे और हम उसको भी इंक्लूड करेंगे जो मैं अभी अभी नाम लेकर आया हटा जिस चीज़ का, क्या नाम था, माइनक्राफ्ट। जस्ट जोकिंग, हमने पहले खेली है माइनक्राफ्ट खुद। अबे बच गया मैं, मुझे लगता है इसकी मुझे नीचे गिराने की। ओके, इतने फटके बस करो अब। उड़ा डाला। बस सर, इतना मजाक करेगा तो सच में उड़ जाएगा। तो हम चलते हैं यहाँ से, चलो। ओके, यहाँ से हम शांति के साथ भागते हैं बस। अरे अगर जंप ना करता तो शायद चला जाता, लेकिन जंप की वजह से मैं गई। यहाँ से निकलियो, यहाँ से हम एक बार ही ट्राई करेंगे, अगर हमारे साथ अच्छी बनी हुई जो कि कदाचित नहीं बनी, तो इस बार हम पक्का एक बार ट्राई करेंगे। अगर इधर से जाऊं तो शायद ये करवा दिया। अबे वाओ। और इस बार ये चक्रियम वाला आया, रुक के अभी एक बार क्रॉस कर लेने दो हमको। और अब यस, आराम से जाऊंगा मैं।
ओके आ जाओ मुर्गो, आ जाओ तुम सबको मैं ऐसे करके दिखाऊं। हाय कोई तो देख लो, अबे ये पकड़ रहा है मेरे को पीछे से और खुद क्वालिफाई कर गया। हाय शार्की, हाय शार्की, नहीं कर पाएगी यार, खेलेगी मेरे साथ, खेलो कोई यार शार्की। हाय सभी इग्नोर यार, इसमें ऐसा क्यों करते हैं सभी लोग। चलो अब क्वालिफाई, बोर हो गया मैं। ओके सेकंड नंबर पे बिग फैंस, जिनका मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ। ये राउंड काफ़ी अच्छा है, ये राउंड सबसे बढ़िया लगता है मुझे, और दूसरा नाइट फीवर। इन दोनों के कलर्स भी अच्छे हैं, और ये बिग फैन वाला थोड़ा आसान भी है टफ भी है, लेकिन आसान ही है यार मेरे लिए तो आसान है अब। अरे यार गिराओगे क्या, इतनी भगदड़ है ना, मैं तो रुक ही गया क्योंकि वरना ये लोग गिरा देते अगर मैं यहाँ से जाना चाहता, लेकिन अब मैं जाना चाहता हूँ और चला भी गया। मैं नेक्स्ट पंखे से जाऊंगा, मुझे इतनी भीड़ पसंद नहीं है। ये पकड़ रहा था मुझे, ये शार्क ही पकड़ रही थी मुझे। आजा बे, आजा। ओके मैं ये उल्टी दिशा से क्यों जा रहा हूँ, मैं पहुंच जाऊंगा, पहुंच गया पहुंच गया। अरे यार गिर गया मैं बढ़िया उनसे अलग हो गया, मुझे भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं पसंद यार। तो अभी हम यहाँ पे आगे ये है, ये चक्रम चक्रम है, तो इसको हम आराम से करेंगे। ओके यस, तो हम पहुंच चुके ऑलमोस्ट लास्ट पे। यस ऑलमोस्ट क्या, लास्ट पे पहुंच चुका मैं। ये क्या हो गया था, साथ में विंडो बटन भी दब गया था, दो दो बार बेइज्जती करवा दी थी मेरी तो। और आसानी से सिर्फ एक बार गिर के हम दूसरे नंबर पे, तीसरे पे, चौथे पे क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन मेरा अभी कोई इरादा नहीं है। तो मेरा इरादा है अभी यहाँ पे पक पक पकाऊ करने का। आप देख सकते हो मेरे को, ये देखो हाई कर सकता हूँ मैं ये मुर्गी डांस कर सकता हूँ, और टशन, और एक कौन सा है ये लास्ट वाला। आजा बे, आजा, तू कर रहा है ना, ये देख ये कर ले, तेरे को कर रहा हूँ मैं। उसने भी मेरी और मुंह घुमा लिया। अच्छा वो डांस भी कर सकता है यार, मैं तो यही कर सकता हूँ भाई, मेरे पास। अच्छा क्वालिफाई कर रहा है, मैं भी करूँगा। भाई मैं कन्फ्यूज्ड हूँ करूँ या ना अभी। आजा इसके साथ पंगा लेता हूँ, आजा बे। ओ मैंने उसको जंप करने से रोका, आ जाओ यार। हाय, और ये कहाँ पे सो रहा है, ये क्या कर रहा है वो, ये रामदेव का आसन कर रहा है, वो भी हवा में उड़ उड़ कर। अरे भाई साहब देख रहे हो क्या आ गया हमको, स्लाइम क्लाइम। चलो आज हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इसको क्वालिफाई कर दूं मैं। सही में बहुत हो गया इसका ड्रामा, अब नहीं बचेगा तू मामा। ये मैंने क्यों कहा, या ये अब ये नहीं बचेगा या मैं नहीं बचूंगा ये तो मुझे नहीं पता। मैं सबसे आगे हूँ तो मैं डेफिनेटली, अरे यार कोई फायदा नहीं इसको ट्राई करने का। अब तो मैं, अबे स्लाइम भी आ गया, इससे अच्छा होता मैं ट्रिक ना ट्राई करता, एम आई राइट। तो भाई कितनी बड़ी बड़ी शेखियां मारी थी हमने स्लाइम क्लाइम के शुरू होने से पहले, और क्या हुआ शुरुआत में ही ढेर हो गए ना। ऐसा ही होता है, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, अच्छे से बोलना चाहिए, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए पर। ओके तो अभी मैं आराम से निकल गया इस बार, तो मेरा कोई मूड नहीं है इस बार पीछे रहने का। यहाँ पे आगे ये लग गए इनके इस बार, तो मार बे, मार मुझे मारना है। ओके ये मेरा क्या करेगा, कुछ भी नहीं बिगाड़ सका, यहाँ से मैं कर जाऊंगा, पिछली बार मैं इस साइड से कर गया था शायद। अरे यार फटका पड़ा लेकिन मैं कर गया। और इस बार तो आगे भी ये सिंपल वाला ही है, और आराम के साथ हम दूसरे तीसरे नंबर पे कर जाएंगे। ये दो झुंड चल रहा है, मैं भी इनके साथ पंगा लूंगा। आजा पे तू भी, मैं कुछ बोला नहीं, बस मैं पंगे लेने में बिजी था।
तो इस बार काफी ऑसम सा मैप हमको टुंड्रा रन आया है और इसमें 28 बंदे क्वालिफाई करेंगे। मैं उन 28 में से एक होना चाहिए। और यहाँ से हमको फ्रूट्स पड़ रहे हैं, लेकिन नो प्रॉब्लम, मुझे एक भी नहीं पड़ा। और यहाँ पे अरे चेरी कहाँ से आ गई रे, मुझे नहीं खानी, अभी भूख नहीं है। मैं रोटी खा लूँगा वरना मम्मी से छितर पड़ेंगे। खाना नहीं खा रहा, क्या खा लिया उल्टा सीधा बाहर से। मैं कहूँगा फिर चेरी खा ली फॉल गाइस में, फिर मम्मी को फॉल गाइस का नहीं पता चलेगा, फिर जुत्तियाँ पड़ेंगी। मम्मी तो ऐसे ही कहेंगी कि फॉल गाइस कौन सी नई डिश आ गई। ये कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गया वैसे। ओके तो अरे एक तो ये उड़ता क्यों है यहाँ से, मुझे ये नहीं समझ आती। अरे मुझे दूसरे बंदों ने गिराया, मैं तो साइड से जाऊँगा फिर, मैं तो साइड से जाऊँगा। मेरा भरोसा उठ गया तुझसे तो। साइड से ये बहुत टिंगली टिंगली सी होती हैं चीज़ें, अगर हल्की सी टकरा गई तो गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं, इसलिए मैं आराम से ही गया। और यहाँ से अभी तीन बंदे कर भी गए यार, मुझे तो ऐसे ही डर लगने लग जाता है। एक मिनट कर ले पंखे मन मर्जी, मैं भी साइड से ही जाऊँगा फिर। ये ले, ओके यहाँ से हमको ये अबे ये तो ये गलत बात है, कहाँ पर पहुँचाया तूने गधे, अब पहुँचा। एक मिनट, अच्छा वहाँ से आगे जाना पड़ेगा और वहाँ से वो पहुँचाएगा। ओके ये पहुँचाएगा, ठीक है। एक मिनट, अभी नहीं, उसको उधर जाने दे, अब राइट दे बे। एक मिनट, अब राइट दे, यस। अरे यार ये हवो बोर्ड हीरोज में आ गया। चलो अब तो आपकी बार पक्का इसको क्वालिफाई कर जाऊंगा यार। तो अब सिर पे टेंशन और ज़्यादा रहने लग गई है पहले के मुकाबले, क्योंकि पहले होता था कि ठीक है ये मुझसे क्वालिफाई नहीं होता, लेकिन अब है कि मैंने इसे तीन बार क्वालिफाई किया है लगातार, वो भी एक दिन नहीं, एक दिन मैंने ऑफलाइन भी तीन बार लगातार क्वालिफाई कर लिया इसको, ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। लेकिन उसके बावजूद पिछली बार गड़बड़ी हो गई यार, काफ़ी घटिया गड़बड़ी हुई वो तो। वैसी गड़बड़ी तो मेरे साथ उस तब भी नहीं हुई थी यार, इंटरनेट लैग कर रहा है, नीचे एरर आने लग गया फिर से। आज कहीं ऐसा ना हो फिर से कुछ गड़बड़ हो जाए प्लीज़ इंटरनेट भाई, आई लव यू इंटरनेट। अब तो एयरटेल है यार, और एयरटेल की तो ऐड आपको पता ही है कि कितना फास्टेस्ट नेटवर्क है, उनकी ऐड आती ही रहती है फास्ट नेटवर्क की अच्छे से। अरे ये मेरे को पड़ा, लेकिन बस अब मैं इनकी पहुंच से बाहर हो गया। इंटरनेट ठीक हो जाए यार, इंटरनेट आई लव लाइक यू सो मच इंटरनेट, यू आर द बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, सच में वैसे है ही, क्योंकि अगर ये ना हो तो कुछ भी नहीं है अभी तो। यार यहाँ से बहुत गड़बड़ हो जाती है, कई बार फिसल जाते हो आप, लेकिन मेरे साथ नहीं हुई। होपफुली अच्छे से सब कुछ होगा आगे भी, और इंटरनेट भी ठीक हो जाएगा होपफुली, इसकी होप ही कर सकता हूँ मैं। ओके यहाँ तक हम काफ़ी अच्छे से पहुँचे, और ऊपर भी ये वाला है और नीचे मुझे पता ही ये पहुँच चुका होगा, सब कुछ सही से हुआ। तो मैं यहाँ पे सेंटर में रुकना है वैसे भी हमको पता ही है, तो मैं थोड़ा सा सेंटर में ही रुकूंगा, क्योंकि फिर ये थोड़ा सा आगे मार सकता है, थोड़ा सा पीछे, इससे ज़्यादा गड़बड़ी नहीं ये कर पाएगा। अब ये ऐसे यहाँ पे मारा मुझे इसने, बस अब तो पहुँच ही गया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बार इसको मार लेने दो, अब मैं सेंटर में चलता हूँ। अबे यार जाने दे, नहीं जाने दोगे तो मैं इधर से जाऊँगा। यस अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, क्वालिफाई करवा देना, कोई गड़बड़ी मत करना, ठीक है। तो भाई कर गया मैं हवा बोर्ड हीरोज, बहुत प्रेशर था दिमाग पे सीरियसली, अभी प्रेशर तो यार इंटरनेट का भी है, ये ना कोई गड़बड़ कर दे प्लीज इंटरनेट यार। तो भाई 11 बंदे रह गए, या तो यही फाइनल राउंड आ जाएगा या इसके बाद फाइनल राउंड आ जाएगा, लेकिन इंटरनेट पता नहीं क्या करेगा भाई। फिनाले है जंप शोडाउन का। हाँ कोई बात नहीं, अच्छे से खेलूंगा। तो इजीली फाइनल राउंड में पहुंच गए, पहली दो बार में भी मुझे बस हॉवरबोर्ड में मेरे से गलती होगी, वो भी मेरी गलती थी, यानी कि ऐसा नहीं था कोई हमने जानबूझकर वैसे कौन हारता है, चलो यार कुछ भी आप जज्बात समझ लो, मैं तो कुछ भी बोलता हूँ। ओके तो मैं इस बार भागूंगा। अबे कौन सी हिल रही है, पीछे वाली टायर हिल रही थी पिछली बार, हाँ वो ही गई, ठीक है फिर तो ठीक है। अब कौन सी हिलेगी, अब उधर वाली हिल रही है आगे वाली, तो ठीक है मैं यहाँ पे सही जगह पे ही हूँ ऑलमोस्ट। अब ये आगे वाली हिल रही है इसके, ओके अभी मैं थोड़ा सा पीछे हो लेता हूँ, यस वो आगे आ रहा है तो थोड़ा सा पीछे ही चलते हैं। ओके अभी वो उससे आगे वाली हिलने लग गई, नाइस। अभी कोई गया, दो बंदे तो एलिमिनेट भी हो गए बेचारे, उनके साथ बुरी बनी। अबे बस शुक्र है भाई शुक्र है। ये सेंटर वाली टायर क्यों गई, दो ही टायर्स बची बस, ये तो गलत बात है। अब ये दो तो रहेंगे ही जब तक कोई गिरेगा नहीं, मुझे पता है इतना तो।
क्योंकि मैं एक बार ऑफलाइन भी यहाँ तक आ चुका हूँ और इसमें हार चुका हूँ। ऑफलाइन तो क्या, इसमें तो मैं ऑनलाइन भी हारा हूँ। अभी इस बार पता नहीं हमारी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, लेकिन इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग टाइमिंग टाइमिंग। अगर एक बार गड़बड़ी हो गई तो गड़बड़ी हो जाएगी। मैं किसी को नहीं पकड़ रहा, ना कोई मुझे पकड़ रहा है, ये काफ़ी अच्छी बात है इनकी। ओके, बहुत डर डर के जंप कर रहा हूँ मैं। भाई कोई तो जाओ यार, ये तेज होएगा। और ओके, बच गया मैं, बच गया, हो गया काफी तेज वैसे तो। अरे अरे नहीं, अरे यार बहुत अच्छा खेल, लेकिन मैं वो मुझे दिखने हट गया था। अभी एक्सपीरियंस भी नहीं है, मैंने ये राउंड सिर्फ दो तीन बार खेला है, अभी तीन बार, दो बार, आज तीसरी बार खेला है। एक बार ऑनलाइन खेला था, एक बार ऑफलाइन खेला है, तीन बार खेला है सिर्फ। तो भाई यहाँ पे आ गया हमें हमारा बहुत ही प्यारा सा अजीज राज दुलारा राउंड, जिसका नाम है नाइट फीवर। और भाई आज तो यार बहुत ऑसम खेला मैं, फाइनल राउंड में मैं बुरा नहीं खेला, सिर्फ तीन बंदे बचे थे जब मैं गिरा। ओके, अरे पड़ी, लेकिन मैं जंप कर गया, बच गया उस जंप की वजह से मैं। अबे इतनी भीड़ क्यों है आज? अबे गिराओगे के? अबे छोरो गिराओगे? बच गया मैं। अब यहाँ से भी जाना पड़ेगा, और अगर बिना जाए बच गया। यहाँ पे कुछ भी नहीं इस बार। हैं ये फ्लिप फ्लॉपर से हैं। ब्रेक नहीं है तेरे भाई, इस मगरमच्छ के ब्रेक नहीं है। और ये तो बहुत आसान है, इससे अच्छा तो वो वाला होता है, वो डिफिकल्ट होता है थोड़ा सा। वो क्या वाला कह रहा हूँ मैं, समझ लो बस आप इससे क्यों। अच्छा ये इस बार अलग अलग वाले हैं। नहीं 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 ठीक है, पहुंच गए हम। ये दो लड़ झगड़ रहे हैं। आजा आजा, चल तेरे को क्वालिफाई करवाऊं। मैं खुद ही कर गया, वो अब तक नहीं करके गया पर्पली। अरे यार ये नेक्स्ट शॉर्ट सर्किट कहाँ से आ गया? ये मुझे ना अच्छा लगता है, ना बुरा लगता है, ना डिफिकल्ट लगता है, ना इजी लगता है। इसमें चांस की बात होती है, कई बार तो यार कुछ भी हो सकता है। चलो देखता हूँ मैं फिर भी। ओके, मैं ये इस लाइन में हूँ, और इधर रास्ता है एक साइड से, बिल्कुल नहीं है। और मुझसे आगे वैसे भी बहुत बंदे हैं, तो रास्ता तो भूल ही जाओ। इसके ऊपर मैं चढ़ नहीं सकता भाई, इतना बीच से ही जाना पड़ा मुझे इस बार, और सभी लोग मुझसे आगे हैं। अबे यार अब तो मुझे थोड़ी बहुत अपने स्किल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना कुछ नहीं हो पाएगा। और स्किल इसमें, अरे यार लेकिन अब मैं कहां से जाऊं? ओके, मैं बहुत पीछे रह गया। मुझे लगता है मैं शॉर्ट सर्किट में गड़बड़ी हमेशा क्यों करता हूं। अबे पहुंचा दे। यस, अब ये पीछे पहुंचा देगा, वरना नहीं, ये भी आगे पहुंचा रहा है वैसे तो, पर अब कोई चक्कर नहीं है। अब यहां पे ये आगे पहुंचा रहा है, पहुंचा बे, वेरी गुड। अब ये भी आगे ही पहुंचाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। यस, और मैं कर गया यहाँ पे पहला लैप तो हमारा पूरा हो गया फाइनली। अबे यार ये गलत बात है इनकी। चलो कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ से जंप करके ऊपर से जाऊंगा, ताजो जल्दी पहुंच जाऊं, वरना मैंने इस बार बहुत गड़बड़ी कर दी, पहले मैं बहुत लेट हो गया। ओके ओके, दूसरा लैप मैं जल्दी लगा रहा हूँ थोड़ा सा। अब ये मुझे याद नहीं, अबे ये ग्रेविटी कैसी है, ये ऊपर नहीं उठने देती, ये आगे भेजता है या पीछे भेजता है मुझे नहीं याद। अभी ये वाला आगे जरूर भेजता था, लेकिन सेकंड राउंड में ये चेंज हो गया। अबे चार बंदे ही करके गए अभी तो, मैं आराम से कर सकता हूँ यानी कि बस ठीक है फिर, बस ठीक है। अरे यार ये क्यों भेज रही है मुझे बाहर? ठीक है, 11 बंदे मैं कर गया फाइनली कर गया मैं। यस ओके, ब्लॉक पार्टी आया, इजीली सर्वाइव कर जाएंगे हम, इस पे तो मुझे 100% कॉन्फिडेंस है। लेकिन कई बार 100% कॉन्फिडेंस भारी पड़ जाता है, जैसे कि आज हवाबोर्ड हीरोज में पड़ा था मुझे शुरुआत में, तो थोड़ा सा आराम से ही खेलूंगा। और बाकी यार फॉल गाइज में एक तो होता है बहुत सारे राउंड्स हों, सच में बहुत सारे राउंड्स हैं, ऊपर से उन राउंड्स में वेरिएशंस हैं, काफ़ी काफ़ी चीज़ें अलग हो जाती हैं। अभी भी पिछले हमें वो आइस वाला कौन सा आया था राउंड, उसमें नई चीज़ आकर हटी, वो वैसे पहले नहीं होता, यानी हर राउंड में कुछ ना कुछ अलग है इसमें। यहाँ से हम टाइल्स देख सकते हैं, ये आराम सी वाली आई, आसानी सी वाली, तो आराम से जाएंगे इसमें से। अबे और क्या आ रहा है, ये स्पेशल उधर से आ रहा है,
तो आराम से निकल गया। अब क्या आ रहा है? अबे इतना धक्का मुक्की क्यों करते हो बे? ये सेंटर से आ रहा है, मैं तो काफी पहले ही कर गया, इतना नजदीक रहने के भी नुकसान है। ओके, कई बार नालायक लोग होते हैं, छोड़ ही देते हैं। वो एक बेचारा फंस गया, वो जाएगा है ना पक्का, गया भी। ओके, इनसे साइड में रहने से भला है, मैं ज्यादा नजदीक ना जाऊं। अबे ये पकड़ रहा है, ये टीवी सा पकड़ रहा है। अबे ये देखो, ये क्या कर रहा है बे तू? क्यों दूसरों को मरवाने वाली हरकतें कर रहा है? टीवी नहीं है ये, वाइट क्या है ये, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये है क्या। ओके, अभी भी मुझे किसी ने पकड़ा था, मुझे लगता है आवाज आई। और अबे चल चल बे चल 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 चल, ज्यादा नजदीक हो गया मैं, उधर इधर हो लेता हूँ थोड़ा सा। ओके 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 ओके, गिरा गिरा, लेकिन कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, होश नहीं खोने होश नहीं खोने। ये शुरू हो गया इनका चमत्कार, ये चमत्कार मुझे बहुत दुखी करता है। ये 15 सेकंड इंटेंस होते हैं ना बहुत ज्यादा। वैसे तो मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान पूरी तरह से गेम में ही रखना पड़ता है। ओके, ये मैं काफी नजदीक से बचा, मुझे लगता है फाइनली मैं बच गया बस। अरे चलो, पिछली बार इंटरनेट ने धोखा दे दिया था, वरना इसका ट्रिक भी हमको पता चल चुकी है, हम आसानी से खेल लेते हैं इसको। ये मैं कहाँ पे खड़ा हूँ पहले तो मुझे ये बता दो। मैं उसी साइड, उल्ट साइड ही इसके मैं वहाँ पे हूँ शायद, मुझे दिख रहा है मेरे सामने कैनन होगी रनी। यस, मैं सही जगह पे हूँ, मैं यहीं पे रुकूंगा अभी। शुरुआत में तो कोई चक्कर भी नहीं, अगर बॉल टकरा जाए शुरुआत में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, वो आ रही है बॉल, और आएगी भी इधर से जाएगी, देख लेना। नहीं, हाँ हाँ, देखा देखा, मैंने कहा था ना मैं उसी जगह जा रहा हूँ वापस, क्योंकि यहाँ से फिर दिखती भी रहेंगी गेंदें ना, गेंद नहीं स्नोबॉल। और ये वापस कहाँ से जाएगी फिर? कहीं से भी जाए, मेरे पास नहीं आई। वो कहाँ से जा रही है? ओके, वो इधर को आ रही है, नहीं उधर को जा रही है, वहां से ये तेजी से मेरी और आ सकती है। आ भी गई, आ भी गई, और ये गिरा भी दिया। कहीं पे सेफ नहीं हो यार, किसने कहा था कि वहां पे सेफ होते हो? मुझे भागना चाहिए था पहली। तो यार चौथे राउंड में आकर रह गया मैं, सभी चीजें इतनी अच्छी चल रही है ना आज, और ये मुझे कौन सी पैंट मिल गई? ये डायनो के साथ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, हम देखते हैं अगर कुछ और मिल जाए इसके साथ। तो दोस्तों बस यार आज की वीडियो इसी के साथ यहीं तक थी, और क्या गेम है यार, दिल ही नहीं भरता गेम बंद करने को, दिल ही नहीं करता। इतनी लंबी लंबी रिकॉर्डिंग्स हो जाती है ना, बीच में से काट के अपलोड करनी पड़ती है, उसके बावजूद भी 15-20 मिनट की कम से कम वीडियो हो जाती है। तो बस इसके साथ यहीं तक थी वीडियो, और अभी तो इस गेम को बहुत खेलूंगा मैं, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे। तो अगर आप लोगों को भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर पहली बार आए हो, और पहले से कर रखे तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी लाइक तो जरूर कर दो, नीचे प्यारा सा कोई कमेंट भी कर सकते हो, और अगर और वीडियोस देखनी चाहें तो यहाँ पे भी शो हो रही होंगे एंड स्क्रीन में, वो भी देख सकते हो, आई बटन पे जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, देख सकते हो। तो बस यहीं तक थी ये वीडियो, बाय।